वीरेश, देखिए रामचरित वाला मानस वाला चैप्टर था वो हमारे आपके सामने है, उसका असर कितना दूर तक लग गया। उसी बीच हनुमान जयंती के मौके पे हनुमान जी पे ऐसी टिप्पणी, आपको नहीं लगता कि ये मामला भी आगे बढ़ता दिखाई देगा? देखिए, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या जाते हैं तो हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का दर्शन करते हैं, जब वो काशी जाते हैं तो संकट मोचन भगवान का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और उनके जो दूसरे तथाकथित रूप से मैं कह सकता हूँ कि लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सिंड्रोम है वो पूरी पार्टी में फैल गया है। और मुझे तो ये लगता है कि पार्टी में राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव से भी बड़े नेता के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कल्चर है वो समाजवादी पार्टी के अंदर धीरे धीरे घर करता जा रहा है। रामचंद्रनाथ भर बसपाई थे, बसपाई से सफाई हुए और सफाई होकर विधायक हुए, विधायक का वो प्रतिनिधि है, लिखित पढ़त में प्रतिनिधि है, तथाकथित तौर पर नहीं है, बल्कि लिखित में डीएम का आदेश है, डीएम के साथ उन्होंने लिख कर भेजा है ये हमारा प्रतिनिधि है। तो बिना अपने नेताओं के सह पर इस तरह के बयान नहीं हो रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने उन पर जरा सा भी रोक लगाने की कोशिश नहीं की और उनका मनोबल बढ़ता गया। फिर वो मिले मुलायम काशी राम, हवा में मुड़ गए जय श्री राम, जय श्री राम की उन्होंने खिल्ली उगाई, उसके FIR हुआ। और अम्बेडकर नगर में जो समाजवादी पार्टी का नेता है, रामचंद्र राजभर का प्रतिनिधि है, वो इस तरह का बयान कर रहा है। यानी अखिलेश यादव की पूरी तरीके से सुधा है। अखिलेश यादव ने ये कह रखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कल्चर है वो पार्टी में चलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तब भी हिंदू देवी देवताओं को गाली देते थे और उनका सम्मान होता था, वो विपक्ष के नेता के तौर पर थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थे। और फिर आलोक अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं, वीरेश जरा उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हनुमान जयंती के मौके पर ये ट्वीट आया, इस बारे में जानकारी है क्या आलोक जी आपको? नहीं, आप जानकारी दे दीजिए। देखिए यहाँ पर इस ट्वीट का कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हनुमान जी पर टिप्पणी की गई और बीजेपी के ही आपके एक नेता ने शिकायत दर्ज करा ली है, वो पहुंच गए हैं। बाल मुकुंद धुरिया नाम से एक ट्विटर अकाउंट है और ये राम अचल राजभर के साथी बताया जाए जिन्हें अपना आज बाबा की जयंती याद नहीं, वो बंदर की जयंती मना रहे हैं, कुछ इस तरीके की टिप्पणी है और इससे यहाँ शिकायत भी दर्ज कराई है आपके बीजेपी के ही नेता ने। देखिए यह जो टिप्पणी आप कह रही हैं, ये कहा है तो ये बहुत ही अपमानजनक और घोर निंदनीय का काम जो है समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति को पुष्ट करने के लिए हमेशा से वो भगवान श्री राम को लेकर के भी उनके बयान इस तरीके से आते रहे, उनके काम भी भगवान राम के खिलाफ रहे, हर तरह के अड़ंगेबाजी उन्होंने करी कि मंदिर ना बनने पाए। और अब हनुमान जी के विषय में जिनको की मान्यता पूरे हिंदुस्तान भर में है, हर चौराहे गली में आपको एक हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, उनके बाद उनको ये कहना, या बिल्कुल मुझे लगता है उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। और निश्चित रूप से जो काम FIR कराई गई है तो ठीक कराई गई, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक ऐसी ही राजनीति होगी क्या आलोक जी, किस तरीके का ट्रेंड सेट होता जा रहा है और कुल मिलाकर के ये भी देखा जाता है इसका फायदा तो बीजेपी को होता है, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी सुचिता और सुशासन की बात करती है, देश की एकता की बात करती है, हम बिना भेदभाव के सभी वर्गों को, धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। यह तो उनको सोचना चाहिए जो धर्म के आधार पर बांट करके राजनीति करते हैं और जातिवाद की गंगोर जातिवादी मानसिकता से राजनीति करते हैं। तो जब इस तरह की बात आएगी तो इस तरह के जो कृत्य हैं सामने आएंगे। समय समय पर हमने देखा है समाजवादी पार्टी का चित्रण और चरित्र। अच्छा आलोक जी, आप भी पार्टी में हैं और वो भी एक पार्टी है जहाँ से कोई कार्यकर्ता आता है ट्विटर पे ऐसी बातें लिख देता है, आपको क्या लगता है कि आलाकमान को पता नहीं लगता होगा या फिर ऐसे ट्वीट पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? किस तरीके से ये पॉसिबल है कि पार्टी के भीतर से ऐसी ऐसी आवाज निकल आए, ऐसी विचारधारा हो? जो पार्टी के जिम्मेदार प्राधिकारी होंगे वो जब बात करेंगे तो वो पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर करेंगे। अगर ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके समझदार नेता होंगे तो ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी की लाइन होगी, उसी आधार पर इनको हिम्मत मिल रही है जो ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अखिलेश तो संकट मोचन खुद ही जाते हैं और यहाँ तो इस तरीके से जैसे शब्द लिखे हैं वो तो बड़े अच्छे नहीं है जो ट्वीट का कंटेंट चल रहा है। इन शब्दों को तो इनकी घनघोर निंदा करने के लिए, और मैं तो मीडिया से भी अपील करूँ, दिखावा इससे जो है लोगों की भावनाएं आहत होंगी
और वह उचित नहीं है। हमारा काम है कि हम लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करें और इस तरह के लोगों का विरोध करें। तो सांकेतिक रूप से जो है FIR लिखाई गई है, तो मुझे लगता है पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो सीधे सीधे सनातन धर्म के खिलाफ है। वो खाली एक तुष्टिकरण की राजनीति को पुष्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें क्या समय समय पर होती रही हैं। अब इसके पहले भी रामचरित मानस के ऊपर जो है कई विवादित बयान दिए गए, उसके बाद जो है अपने छात्रों की तरफ से फरमाना है कि आप कोई नहीं बोलेगा, उसके बाद फिर उनके यहाँ से इस तरह की बात चल रही है। यानी कि उनकी मूल अवधारणा है कि कैसे सनातन धर्मियों को कष्ट पहुँचाया जाए, करोड़ों अरबों लोगों की भावनाओं को आहत किया जाए। चलिए अब इस पर समाजवादी पार्टी ही सफाई देती तो ठीक रहता। और फिलहाल आपका शुक्रिया आलोक जी एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।